क्या अचानक से कोई आपका बहुत खास हो गया? क्या आपके दिल के बहुत पास हो गया? क्या किसी की यादें, क्या किसी की बातें सारा दिन दिमाग में चलती रहती हैं और जानना चाहते हो क्या चल रहा है उसके दिल में आपको लेकर के, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं। सो एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए आप जिस भी पार्टनर के बारे में या जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम अपने मन में 3 बार रिपीट कीजिए और उनका इमेज अपने दिमाग में रखते हुए पॉजिटिविटी के साथ कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है, ये सभी के लिए होती है, ओके। और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना ही आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम अटेंड नहीं करते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ओके। सो तब भी आप हमें वहाँ पर मैसेजेस कीजिएगा। सो चलिए, शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप अपने पर्सन का इमेज दिमाग में ले आइए, फटाफट से पॉजिटिव हो जाइए। जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को, गॉड को आप मानते हैं उनको याद कीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आप बीच में ब्रेक करते हैं तो एनर्जीज ब्रेक हो जाती हैं। अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी विशेज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्या चल रहा है आपके दिल में, क्या है आपकी विशेस, क्या है आपकी मैनिफेस्टेशंस। तो लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी, ओके। फ्रॉड से बचिएगा, ओके। ना ही फेसबुक पे, ना ही यूट्यूब पे और ना ही इंस्टाग्राम पे, कहीं भी हम किसी को भी कोई मैसेजेस नहीं भेजते हैं, ना ही कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ना ही कोई पेमेंट के लिए किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, ओके। सो जब आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे बस उसी केस में आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ओके। सो पर्सनल पे हम कोई मैसेजेस, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड करते हैं कभी भी किसी को भी, ओके। सो ध्यान रखिएगा। चलिए, शफलिंग मैंने कर ली है, रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। एक प्रेयर के साथ मैं इसको स्टार्ट करूंगी। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर के दिल में इनको लेकर के। चलिए, फर्स्ट कार्ड, ओके। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है द एम्प्रेस का कार्ड। वाओ, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फोर ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सिक्स ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, ओके। सो थ्री नंबर रिपीटेशन में आया है। सो थ्री नंबर, थ्री 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 आपको दिख रहा होगा या फिर थ्री नंबर कुछ इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों की लाइफ में, ओके। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, ओके जी। चलिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टेन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्कमीन, वृश्चिक राशि। किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, ओके। एक कार्ड और ले लेते हैं फिर रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। डेविल, ओके फाइन। लास्ट में क्या आया है, टू ऑफ स्वॉर्ड, ओके। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम में भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए, सो देखो, ये पहली बात तो ये कि ये पर्सन, ये पार्टनर आपके बिल्कुल ही पूरी तरीके से आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। इसने आपके दिल को, दिमाग को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाह रहे हो, आपका ध्यान हमेशा इसी की तरफ चला जाता है। आप अकेले बैठे हो, इसके बारे में सोचते रहते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको इसी का ख्याल सारा टाइम आता रहता है। सो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आपको पूरी तरीके से अपने काबू में किए हुए है, या फिर इसका जो एक प्यार है या जिस तरीके से ये आपको देखता है या देखती है, जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है, ओके, वो आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या करती है।
पूरा एक आप एक ऑरा, एक जो आपके आस आसपास जो आपको फीलिंग होती है, कई बार बहुत आपको रोना भी आता है, ठीक है, कई बार आपको बहुत अच्छा लगता है जब ये इंसान आपके आसपास होता है, तो आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स आती हैं, आप खुश होते हो, आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है, आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इसके साथ कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो सकते हैं, जिनको सिंगिंग का शौक़ हो सकता है, डांसिंग का शौक़ हो सकता है। कई लोग आप में से ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहते हैं, अपने को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, राइट। एंड आपके पार्टनर को ज़रूर ये इस चीज़ का एहसास होता है कि आपकी लाइफ में भी देखो कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ में एक अकेलापन और सूनापन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये एहसास है कि उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन होता है, या वो चाहते हैं आपकी तरफ खींचे चले आना, आपके बारे में वो भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के एक एनर्जी फील कर पाते हैं, एक मैजिक जैसा आपका उनके दिमाग पे चलता रहता है। एक इनके अंदर मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी फीलिंग्स को समझ जाते हैं बहुत मन ही मन, या मैं ये बोलूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट कर पाते हो, आपका ख्याल उनको आ जाता है और उनका ख्याल आपको आ जाता है। फीलिंग्स इमोशंस भले ही आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लेकिन बिना बताए ही आप दोनों में काफ़ी कुछ बातें हो जाती हैं। आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाहिए, और इनको भी ऐसा लगता है कि ये आपको उतना एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हैं जितना उनको देना चाहिए। आप देखो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन और थॉट्स में भी आप रहते हो, देखो थॉट्स में भी आप रहते हो, आपके बारे में सोचते भी रहते हैं, प्यार भी आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। बट कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर रुकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक डेफिनेटली एक अनसीन कॉर्ड, एक ऐसा धागा या एक ऐसा रिश्ता आप दोनों के बीच में ज़रूर है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से कैसे भी करके अलग नहीं हो पा रहे हो, राइट। ज़रूरत नहीं है वर्ड्स की, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बात करने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। एक एक होता है ना, सामने वाले की मासूमियत, सामने वाले का चेहरा, सामने वाले की आंखें बहुत होती है सब कुछ कहने के लिए, तो आपके पार्टनर आपके चेहरे को पढ़ लेते हैं, आपकी आंखों में क्या है वो समझ में आ जाता है उनको। थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा है ये, इमोशनल थोड़े से मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। और एक देखो आप दोनों के बीच में एक खास इंट्रैक्शन है, एक खास बॉन्ड ज़रूर यहाँ पर है। थोड़ा ग्रेजुअली देखो चीज़ें ठीक हो रही हैं, ग्रेजुअली आप दोनों के बीच में रिश्ता डेवलप हो रहा है, ओके। बट हाँ, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर या तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में ज़रूर फंसे हुए हैं कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। वो किसी ऐसे रिश्ते से बंधे हुए हैं, या किसी ऐसी सिचुएशन से बंधे हुए हैं या फंसे हुए हैं, जहाँ पर वो चाहकर भी आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं। आपको लेकर के उनके दिल में बहुत हलचल रहती है, बट ऐसी पोजीशन अभी उनकी नहीं है कि वो आपसे कुछ कह सकें या आपको अपने दिल की बात बता सकें, राइट। डरते हैं, थोड़ा सा घबराहट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको लगता है कि आप अकेला फील करते हो, लोन फील करते हो, जो प्यार आपको चाहिए वो शायद आपको नहीं मिला है। आप में से कई लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनका अभी हाल फिलहाल में या तो आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर आपके पार्टनर का कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड फील कर रहे हो, कि जब आप दुखी होते हो तो कहीं ना कहीं ये आपको अच्छा फील करवाते हैं, फील गुड करवाते हैं, या फिर जब ये दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप इनको फील गुड करवाते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक का दिल तो ज़रूर टूटा है हाल फिलहाल में, और आप चाहते हो कि जो आपके साथ या इनके साथ जो भी हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो। सो एक डर, एक घबराहट भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रही है। इनका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो कभी कभी डाउन हो जाता है, राइट। जो भी इनके साथ हुआ है या आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, उसको लेकर के जो ख्याल इनके मन में चलते रहते हैं, उसको लेकर के कभी फील लो भी करते हैं। अभी ऐसी सिचुएशन में ज़रूर ये मुझे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ये अपनी आशा मतलब अपनी बातों को अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
या फिर हो सकता है इनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो, इनकी इनकी पोजीशन इतनी अच्छी हो कि इनको बदनामी का डर लगता हो कि नहीं अगर बात फैल जाएगी तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा या फिर चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। ये पैशनेट पर्सन है, ठीक है, पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशनेट है और 100% देने की कोशिश करते हैं, बट कुछ ना कुछ अड़चनें ज़रूर आ जाती हैं। अभी आप दोनों के बीच में जहाँ तक है बहुत ज़्यादा कनेक्शन मुझे लगता है डेवलप नहीं हो पाया है, धीरे धीरे करके आप दोनों में वो रिश्ता डेवलप हो पाएगा, जहाँ पर एक स्टेबिलिटी आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर आएगी। आपके आपको मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, इनका दिल आपके पास इस तरीके से अटक गया है कि ये दिल ही दिल में आपसे सारी बातें कर लेते हैं। भले ही आप लोग एक दूसरे की इस वर्ल्ड में या इस फिज़िकल वर्ल्ड में भले ही आप एक दूसरे के लिए नहीं हो या आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से आप लोग अपने मन की बात, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को एक्सप्रेस कर लेते हो, तो वो चीज़ें आपको एक ऐसा लगता है कि नहीं बस बाकी कुछ हो या ना हो, बाकी कुछ मिले या ना मिले, या बाकी कुछ जैसा भी आगे होना है हो जाए, लेकिन साथ बना रहे, बातें होती रहें। अगर आप इनको एज अ फ्रेंड भी देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिल में यही बात रहती है कि चलो जैसा भी रिश्ता है, जो भी रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप और भले ही कुछ ना चाहते हो इस पर्सन से, इस पार्टनर से, लेकिन आप ये ज़रूर चाहते हो कि भले ही फ्रेंडशिप रहे लेकिन कमिटेड रहे, भले ही रिश्ता ऐसा रहे लेकिन कमिटेड रहे। जब भी इनको आपकी ज़रूरत हो आप ये अवेलेबल हो, और इनको ज़रूरत हो तो आप अवेलेबल हो। सो इस तरीके का कुछ रिश्ता आप दोनों में मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हो सकता है आप पहले ना समझते, या हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि पहले आप में इतनी समझ नहीं थी, पहले आप चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, पहले कुछ हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ज़िद करते थे या पहले बहुत ज़्यादा अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा है, आपने इनको समझने की कोशिश की है और इन्होंने आपको समझने की कोशिश की है, वैसे वैसे आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा आ गया है, ठीक है। आप अब पेशेंस रखने लगे हो, आप अब कहीं ना कहीं इनको समझने लगे हो। सो इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं वो इन तक पहुंच गई तो ये अपने को संभाल नहीं पाएंगे, या फिर ये आपको कमिटमेंट देने वाली जो कंडीशन में नहीं है ना, तो इनको एक गैप लेना पड़ सकता है। सो ये नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई बात आप दोनों में हो जाए जिसकी वजह से इनको दूरियां मेंटेन करनी पड़ जाए या कुछ डिफरेंसेस आप दोनों में आ जाएं। सो करंट लाइफ में चैलेंजेस ज़रूर आप फेस कर रहे हो, लेकिन जो भी एक फील कर पा रहे हो आप एक दूसरे के लिए, राइट, वो एक बहुत स्पेशल है, वो फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये जेलस भी फील करते हैं, है ना, जब आप किसी और के साथ बात करते होगे या जब आप किसी से इंटरेक्ट करते होगे, तो एक जेलसी वाली भावना भी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि बैठ कर के सोचते हैं या जेलस फील करते हैं कि आप उससे कैसे बात कर रहे हो या आप किसी और से कैसे मिल सकते हो या बात कर सकते हो। तो एक वो चीज़ भी इनके दिल में ज़रूर है। हाँ, ये है कि आप दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आप दोनों में मिलती हुई है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन जो भी फीलिंग्स आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर गए वो ज़रूर सेम है। तो वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि आपको हर्ट करें, वो नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता कैसे भी करके टूटे या ख़राब हो जाए, बस जो भी समय जा रहा है वो समय चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि ये टाइम अभी जैसा चल रहा है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी दिखाई दे रही है मुझे, वो वहाँ पर अभी अटके हुए हैं, तो जैसे ही वो चीज़ें थोड़ी सी उनको समझ में आएंगी तो वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप लोग कमिटमेंट या रियूनियन चाह रहे हैं तो रियूनियन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए तो ज़रूर यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू। सो हाँ, ज़रूर कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल ज़रूर दुखाया है, जिसके लिए ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, और इनको खुद से ही नफ़रत हो जाती है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। सो ये बहुत ही एक प्यारी सी फीलिंग आई है, आई लव यू मोर देन मी दैट नीड्स टू शिफ्ट इन ऑर्डर टू यूनाइट। सो खुद से ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। If you don't love me anymore, I won't be able to make it through this world. So, आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप इनसे रिश्ता ख़त्म करोगे या आप अगर इनसे आप इनके साथ अगर आगे नहीं रह पाओगे तो ये
कैसे इस दुनिया का सामना कर पाएंगे। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन, सो आपको वापस देखना चाहते हैं, ओके अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अस किल्स मी, आई एम ऑन द वे टू यू। सो बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे, जो भी आप दोनों में दूरियाँ हैं ये इनसे अभी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वॉट कैन आई डू टू मेक दिस वर्क, क्या करें कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, बेटर हो जाए। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। ओके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है अगर आप सभी लोगों ने, सो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।